आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबका स्वागत है। मुझे बेहद खुशी है कि आज राजकुमार आनंद जी की घर वापसी हो रही है। जैसा उन्होंने बताया कि 2013 में उनकी पत्नी वीना आनंद जी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ी थी, फिर कुछ कन्फ्यूजन हुआ, उनके कुछ मतभेद, कुछ मनभेद हुए, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। लेकिन पिछले 4-5 साल के अंदर दिल्ली सरकार ने जो काम किए हैं, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, उन सब कामों से प्रेरित होकर और उनको देखते हुए राजकुमार आनंद जी और उनकी धर्मपत्नी आज पार्टी में वापस आ रहे हैं, इस बात की मुझे बेहद खुशी है। एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ उनका पार्टी में स्वागत किया जाए। 2 ये अकेली पार्टी है जो दलितों के लिए भाषण नहीं देती, दलितों के लिए काम करती है। बाबा साहब अंबेडकर ने, उनकी जिंदगी हम लोगों के लिए संदेश है। बाबा साहब अंबेडकर बहुत गरीब परिवार से आते थे, बचपन में उन्होंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने संघर्ष कर करके अच्छी शिक्षा हासिल की, उन्होंने देश में भी अच्छी शिक्षा हासिल की और फिर संघर्ष करके विदेश गए, वहां से भी बहुत अच्छी शिक्षा हासिल करके आए और इसीलिए उनको इतना बड़ा मान सम्मान मिला कि उन्होंने देश का संविधान, दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान अपने देश को दिया। उन्होंने हमेशा एक ही चीज कही कि अगर दलितों का उत्थान करना है, दलित समाज का, पूरे समाज का उत्थान करना है, तो एक ही चीज है उसका, एक ही टूल है, एक ही हथियार है जिससे हम पूरे दलित समाज का एक पीढ़ी के अंदर उत्थान कर सकते हैं, और वो है शिक्षा। आज तक किसी सरकार ने बड़े बड़े, जैसे अभी राजकुमार जी ने बिल्कुल सही बात कही कि जितनी पार्टियां आती हैं वो बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे वोट तो मांगने आती हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायियों के लिए काम कुछ नहीं करती, दलितों के, दलित समाज के लिए काम कुछ नहीं करती। 70 साल के भारत के इतिहास में एक पार्टी बता दो जिसने आपके बच्चों का ख्याल रखा हो, एक पार्टी बता दो जिसने आपके बच्चों के स्कूल ठीक करे हो, एक पार्टी बता दो जिसने आपके बच्चों की शिक्षा अच्छी करी हो। सारी पार्टियां आती हैं, प्राइवेट स्कूल वालों से हफ्ते बांधती हैं, फीस बढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल वाले, गरीब बच्चे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकते, और सरकारी स्कूलों की ऐसी तैसी करती हैं जितनी पार्टियां आती हैं। जानबूझ के सरकारी स्कूल खराब किए जाते हैं। ये जितनी पार्टियां हैं ये चाहती हैं कि सफाई कर्मचारी का बच्चा सफाई कर्मचारी बने, ऑटो वाले का बच्चा ऑटो वाला ही चलाए। ये पार्टियां चाहती है मजदूर का बच्चा मजदूरी बने। पहली बार एक पार्टी आई है जो कह रही है हम सफाई कर्मचारी के बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे। पहली बार एक पार्टी आई है जो कह रही है हम मजदूरों के बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे और बन रहे हैं। अब पिछले साल सरकारी, हमारे दिल्ली सरकार के जो स्कूल है इतने शानदार हो गए, होगा कि नहीं हो गए, सरकारी स्कूल इतने शानदार दिल्ली सरकार के स्कूल हो गए, दिल्ली देश के जो टॉप के इंजीनियर के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हैं, IIT, पता नहीं आपने से कितने लोगों ने IIT का नाम सुना है, मैं भी IIT का पढ़ा हुआ हूं। देश के जो सबसे टॉप के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है उनको IIT कहते हैं। हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों के 350 बच्चे IIT में गए हैं। अपने दलितों के, गरीबों के बच्चे अब इंजीनियर बन रहे हैं, टॉप के इंस्टीट्यूट से इंजीनियर बन रहे हैं, आपके बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं। ये सपना था अपने बाबा साहब अंबेडकर का, ये सपना आज तक किसी ने पूरा नहीं किया। एक ही पार्टी आई है जो आपके बच्चों का भविष्य बना रही है। दोस्तों, एक पीढ़ी के अंदर गरीबी दूर हो सकती है, एक पीढ़ी के अंदर इस देश को पिछड़ेपन से निकाल सकते हैं अगर अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा दें तो। मुझे बेहद खुशी है आज राजकुमार जी पार्टी में आए हैं। मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि जो पार्टी की आइडियोलॉजी है, जो पार्टी की विचारधारा है कि हमें गरीबों, पिछड़ों, दलितों की सेवा करनी है, उसी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे। तन मन धन से
समाज की सेवा करेंगे, खास तौर से पिछड़े दलित गरीब समाज की सेवा करेंगे। और मुझे बेहद खुशी है कि उन्होंने कहा कि वो एक कार्यकर्ता के रूप में आ रहे हैं, कोई पद और उसका लालच लेके नहीं आ रहे। यहाँ पे आज इतनी सारी महिलाएं आई हुई हैं। अभी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान करा था हमने कि महिलाओं के लिए बसों का और मेट्रो का किराया फ्री होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जरा हाथ खड़े करके बता दो। ये टीवी चैनल वाले मेरे खिलाफ बोलते रहते हैं केजरीवाल सब कुछ फ्री कर रहा है, तो केजरीवाल पैसे तो नहीं खड़ा? आपके बच्चों की शिक्षा फ्री कर दी, अस्पतालों में इलाज फ्री कर दिया, अब बिजली फ्री कर दी, बिजली सस्ती कर दी, पानी फ्री कर दिया, अब आपका मेट्रो का और बसों का किराया फ्री कर रहा हूँ। बताओ क्या गलत कर रहा हूँ? तो कोई भी कहे ना, कुछ थोड़ी सी ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो कहती है नहीं करना चाहिए। बोलो जी आप मत लेना, गरीबों को क्यों मना कर रहे हो? गरीब लेना चाहते हैं, दे लेने दो। तो आप सब लोग आज इतनी भारी संख्या में आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और राजकुमार आनंद जी का तहे दिल से पार्टी के अंदर स्वागत है, और अब हम मिलके आगे बढ़ेंगे, मिलके सब काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।